आज की इस वीडियो में मैं आपको BR रैंक के लिए दो ऐसे करेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जो ग्लोबल टॉप 10 प्लेयर्स यूज़ करते हैं पर्सनली अपने लिए। तो जो भी मैं करेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ उनको अगर आप यूज़ करोगे तो आप काफ़ी आसानी से 2-3 दिन में ग्रैंड मास्टर कर लोगे, और इन सब करेक्टर को यूज़ करने के बाद आपकी BR रैंक में कभी भी माइनस नहीं लगेगी, हमेशा ही प्लस होगी, भले वो 10 हो, 15 हो, 30 हो, जितनी भी हो, पर आपकी कभी माइनस नहीं होगी। तो आपको एक्टिव स्किल करेक्टर में यूज़ करना है के करेक्टर, क्योंकि वो काफ़ी बढ़िया करेक्टर है BR रैंक के लिए, और के करेक्टर आपको काफी हेल्प करता है फाइट लेते टाइम और जोन में सर्वाइव करते टाइम, क्योंकि अगर आपके पास जो EP होगी वो उसको HP में कन्वर्ट करता रहता है, पर सेकंड 5 HP कन्वर्ट करता है EP से HP, और जब भी आप फाइट लेते हो किसी एनिमी से और आपको वो डैमेज कर देता है तो कुछ HP आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, क्योंकि जो आपका के करेक्टर है वो आपकी HP इंक्रीज करता रहता है हर सेकंड, जिससे आपको काफी एडवांटेज मिल जाता है जब भी आप फाइट करते हो किसी एनिमी से। तो अब बात करते हैं कि आपको पैसिव करेक्टर कौन कौन से यूज करने हैं के करेक्टर के साथ। तो जो पहले नंबर पे अपना पैसिव करेक्टर आता है वो है लोकेटा करेक्टर, जो आपको काफी हेल्प करेगा आपके HP इंक्रीज करने में, क्योंकि आप जब भी किल करोगे तो आपके HP इंक्रीज करके वो 250 कर देगा, जो कि पूरे मैच में परमानेंट रहेगी आपके साथ। और इसके बाद अगर आप वेस्ट में वो चिप लगा देते हो जिससे कि HP थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, 30 HP जो मिल जाती है अगर आप वो भी चिप लगाओगे तो आपकी HP 280 हो जाएगी, जिससे आपको काफी एडवांटेज रहेगा पूरे मैच में। तो अगर आपको ऐसा कोई करेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे कि आप ज्यादा देर तक जोन में सर्वाइव कर सको तो ऊपर आई बटन पे वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसको भी आप देख सकते हो, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जिससे आप जाके देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो सेकंड पैसिव करेक्टर स्किल में आपको यूज करना है हायटो करेक्टर की स्किल, क्योंकि हायटो करेक्टर की स्किल काफी बढ़िया है और आपको काफी हेल्प करती है वो भी फाइट ले रहे टाइम, क्योंकि जब भी आपकी HP डाउन होगी तो आपको ज्यादा डैमेज देखने के लिए मिल जाएगा, आप जो भी गन यूज कर रहे होगे और एनिमी को काफी आसानी से आप डाउन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट करेक्टर की, जो आपको पैसिव करेक्टर की स्किल में यूज करना है, वो है लूना करेक्टर, क्योंकि लूना करेक्टर आपके जो रेट ऑफ फायर है वो बढ़ा देता है 2% और आपकी मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर देता है 6%, जिससे आप गन से हेडशॉट ज्यादा लगेंगे और एनिमीज को आप काफी आसानी से ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो और आपका हेडशॉट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ये था भाई आज का BR रैंक का करेक्टर कॉम्बिनेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।